हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्निकलोब ऑन यूट्यूब। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे इंस्टाग्राम के अंदर नए नए अपडेट्स आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन अपडेट्स के साथ अपडेटेड रहें। तो देखते रहिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अदरवाइज आप मिस कर दोगे सारे अपडेट्स को। और ये बहुत ही मजेदार अपडेट्स हैं, आपके काफी काम आने वाले हैं अगर आप एक इंस्टाग्रामर यूजर हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और उसके अलावा चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, यहाँ पर हम आ गए हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे, और सबसे पहले जाते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमको चेक करना है कि हमारा इंस्टाग्राम अपडेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देता हूँ और मैं देखता हूँ इसे अपडेट करने का। तो मैं पहले यहाँ से इसे अपडेट कर लेता हूँ, राइट। और ये हमारा यहाँ पर इंस्टाग्राम अपडेट हो गया है। और अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ हमारे अकाउंट पे और आपको बताने वाला हूँ कि आपको नए नए फीचर्स यहाँ पे देखने को क्या मिलते हैं। तो यहाँ से अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब जाते हैं इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आने के बाद आपको सबसे पहले जो फीचर अपडेट हुआ है वो दिखाता हूँ। कैमरे पे जाना है, आपको क्लिक करना है। कैमरे पे आने के बाद आपको यहाँ पर बता देता हूँ ऑप्शन क्या मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सपोज कीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हमें हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे मैंने इसे फोटो क्लिक कर ली। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे डूडल पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है डूडल पे। और उसके बाद आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है कोई सा भी, जो भी मेरे को पसंद है मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप ऊपर की तरफ जाएंगे गाइज, तो यहाँ पर आपको एरो का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको एरो का ऑप्शन मिलता है, तो आपको कोई भी चीज़ अगर इमेज आपकी स्टोरी आपको अपडेट करनी है, उसके बाद अगर आपको उसको हाईलाइट करना है, तो आप ऐसे यहाँ पे एरो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने किया इस पर वाइट और ये मैंने बनाया ऐसे एरो। ये देखिए इस तरीके से आपको बना बनाया एरो मिल जाता है यहाँ पे, राइट। और इसका आप साइज भी छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको मिला है यहाँ पे नया, आप इस टाइप से एरो बना सकते हैं ताकि आपकी चीज़ हाईलाइट हो और यहाँ पर आपको कुछ भी GIF यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो एक तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद मैं बैक कर देता हूँ उसको यहाँ से। अब ये एक साथ में बैक हो जाए तो अच्छी बात है। और ये बैक हो गया, ये पूरा डिस्कार्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद अब नया जो फीचर आया है वो आया है बूमरैंग का। बूमरैंग के अंदर मैं आपको बताया था क्या फीचर आया है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो एक बार मैं जल्दी से अपने हाथ से ही बूमरैंग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने बूमरैंग बना लिया है। बूमरैंग बनने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। और उसके बाद आपको यहाँ पर बताया था क्या करना है एग्जैक्टली। ये आपने देखा बूमरैंग बन गया आपका। सो गाइज, यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि सपोज कीजिए आपने कोई बूमरैंग बनाया है और आप इसको अपने जिससे भी आपने कोलैबोरेट किया है या जिस भी ब्रांड से आप काम कर रहे हैं उनका आप चाहते हैं कि उनका लिंक ऐड करें, तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे स्माइली के साथ में यहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है। वापस से दिखाता हूँ मैं, स्माइली के आगे एक लिंक मिलता है एरो के नीचे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस पार्टनर को टैग कर सकते हैं और ये अलाउ बिजनेस पार्टनर टू प्रमोट भी कर सकते हैं, आप इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैग कर सकते हैं उसका बूमरैंग को और उन्हें पता चल जाएगा कि आपने उनके लिए बूमरैंग बनाया है। तो यहाँ पर एक कोई ऑप्शन मिलता है। साथ ही में बूमरैंग के अंदर नया ऑप्शन एक ये भी आया है, इसके अंदर मेरे एप्लीकेशन के अंदर अपडेट नहीं हुआ वो अभी तक। तो यहाँ पर आप अपने जो बूमरैंग से उनकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं और स्लो मोशन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे बूमरैंग में एक नया अपडेट आया, तो आपके एप्लीकेशन में जल्दी मिल जाएगा। धीरे धीरे सबको रोल आउट हो रहा है और आगे आने वाले टाइम पे भी आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, तो आप भी अपडेट कर सकते हैं उस चीज को। उसके बाद गाइस आते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो हमें काफी शौक होता है कोलाज बनाने का, तो यहाँ पर आपको नया अपडेट मिल जाता है, उसे कहते हैं लेआउट। यहाँ पे आप एक फोटोग्राफ क्लिक करेंगे तो एक क्लिक हो जाएगी, उसके बाद आप दूसरी क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद आप तीसरी क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद चौथी क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना कोलाज खुद बना सकते हैं और आपको अलग अलग वे में अलग अलग स्टाइल की यहाँ पे आपको लेआउट मिल जाता है। उसके अलावा डिस्कार्ड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको दो में बनाना है, तीन में बनाना है या लंबे वाले बनाने हैं। अलग अलग स्टाइल के आपको यहाँ पे लेआउट्स मिल जाते हैं, तो आप इन्हें भी अपडेट कर सकते हैं और इसे भी यूज कर सकते हैं एक अच्छा स्टोरी बनाने के लिए। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर गाइज, जो कि है नया अपडेट। हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट के अंदर। क्रिएट में आने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग अपडेट्स देखने को मिलते हैं, जिसका भी बर्थडे हो, GIF को यूज़ करना हो, उसके बाद आप यहाँ पे फॉलो अकाउंट का कर सकते हैं, जिसे भी आप शाउट आउट देना चाहें, आस्क मी और ये सब कर सकते हैं, आस्क मी क्वेश्चन कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक नया चीज़ आया है,
टैप टू सेलेक्ट नॉन प्रॉफिट, यहाँ पे आप डोनेट करना चाहें किसी भी लाइक पेज को या किसी को, आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डोनेट करना है तो आप उनके पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन मेरा शायद ऑफ है तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा पेजेस, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा से। उसके बाद यहाँ पर आपको दिस वीकेंड का ऑप्शन मिलता है, द वीकेंड, यहाँ पर आप अपने टाइमर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और ऑप्शन दे सकते हैं जैसे लाइक अ करोड़पति। तो ये एक काफ़ी अच्छा नया ऑप्शन है जो कि आपको नया मिलता है। उसके अलावा ऊपर यहाँ पे डाइस दे रखे हैं, आप उनके यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकते हैं, आपको आपको जो फॉन्ट्स है उनको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाई गई है, इवन आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का, तो ये भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये डिफरेंट अपडेट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपको नई चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर। जैसे मैं ये देख लेता हूँ अपडेट, तो ये काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी नया लग रहा है, काफ़ी अलग चीज़ लग रही है, कुछ यूनिक लग रहा है। ठीक है, तो आप अपने अकाउंट पे स्टोरीज बना सकते हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें चला सकते हैं और आपको काफ़ी डिफरेंट चीज़ें मिलने वाली है यहाँ पे। आप जाते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर हमारे यहाँ पे। सो यहाँ पर जो आपको नया अपडेट मिलता है वो गाइज है रिस्ट्रिक्शन का, और यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करें बिजनेस पे, और आपको सबसे पहले अपना अकाउंट पर्सनल से बिजनेस पे करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो अकाउंट है या हमारा जो अकाउंट है वो इस एज की लिमिट से कम के लोगों को ना दिखे, तो यहाँ पे मिनिमम एज रिस्ट्रिक्शन आ गई है। डिफॉल्ट बाय कंट्री भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट बाय एज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना एज लिख सकते हैं 13, या आपको लिखना है 18, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एज के हिसाब से भी अपने हिसाब से लोगों को दिखाता है बाय बर्थ डेट डालने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप जाके यहाँ पे डिफॉल्ट में सेटिंग कर सकते हैं कि 13 से अंडर 13 वालों को नहीं दिखे या अंडर 18 वालों को ना दिखे, तो इस तरीके से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी डिफरेंट और नया फीचर आया है इंस्टाग्राम की तरफ से जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जाते हैं नए अपडेट्स के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक रिप्लाइज का। जैसे कि सपोज कीजिए आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक ही जवाब देते हैं, हर कोई एक ही क्वेश्चन पूछता है, तो आप यहाँ पे क्विक रिप्लाइज में जा सकते हैं और यहाँ पे न्यू क्विक रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने मैसेज को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं और शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको मैसेज देना है। तो आप अगर ऑनलाइन है या नहीं है फिर भी आपका ये मैसेज उन तक पहुँच जाएगा, तो आप यहाँ पे मैसेज भी डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं एज पर जैसे आपका स्केड्यूल। कह लीजिए कि आप एक तरीके से नया अपडेट है कि आप अपनी तरफ से ऑन नहीं है फिर भी उनको अपनी तरफ से रिप्लाई चला गया, तो ये भी एक नया ऑप्शन है इसके अंदर, ये भी आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के पास। तो गाइज यहाँ पर अपनी तरफ से इंस्टाग्राम ने नया अपडेट दिया है जहाँ पे आप अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको कुछ राइट साइड में नीचे की तरफ एरो मिलता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछ सकता है कि आप लेटेस्ट वाले फॉलोअर्स को देखना चाहते हैं या अर्लीस्ट वाले को, राइट। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे लेटेस्ट वालों का दिखाएगा, उसके बाद हम अर्लीस्ट वालों को देखेंगे तो अर्लीस्ट वालों को दिखाएगा जिनके साथ आपका ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे नया अपडेट दिखाता है जहाँ पे आप अपने फॉलोअर्स को देख सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज को भी पता कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आप यहां पर इंस्टाग्राम पे कितना आपने टाइम बिताया है। तो जाना है आपको वापस से अगेन 3 लाइंस पे और यहां पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, जाना है आपको फिर से अपने अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है योर एक्टिविटी, और यहां पे आपको पता चल जाएगा कि आप डेली कितने आवर्स यानी कितने घंटे एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम के अकाउंट पे अपने। तो यहां पर आप अपना सेट भी कर सकते हैं, सेट डेली रिमाइंडर, नोटिफिकेशन सेटिंग्स, ये सब आप सेट कर सकते हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि मैंने इतनी देर टाइम अपना स्पेंड कर लिया, मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ इतना टाइम हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको, और यहाँ पे आपको एनालिटिक्स दी गई है, यहाँ पर आपको ग्राफ दिए गए हैं कि आप देख सकते हैं कि आपने कौन से दिन में कितनी देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। तो ये इंस्टाग्राम के नए अपडेट्स हैं इसके अंदर। सो गाइज ये कुछ अमेजिंग ट्रिक्स हैं, अमेजिंग अपडेट्स हैं जो कि इंस्टाग्राम की तरफ से आ गई हैं, और ये मेरा पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, गैंगस्टर्स ऑफ फूड को भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा पेज नेम है और ये मेरा एडमिन पेज नेम है, जो भी गैंग्स ऑफ फूड के नाम से इधर फॉलो कर सकते हैं मुझे, और ये भी मेरा एक पेज है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे अपडेट्स थे जो कि इंस्टाग्राम की तरफ से मैंने आपको बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और भी कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और इनको अप्लाई करना शुरू करें। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी अच्छे से अपडेट्स को समझा होगा और काफ़ी मौज करोगे आप इन अपडेट्स को अप्लाई करने के बाद अपने अकाउंट्स पे। तो बढ़िया बढ़िया स्टोरीज बनाइए, बढ़िया बढ़िया अपडेट्स को यूज करें और इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाएं। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा और ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्नो क्लब, टेक केयर।